नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम ब्यौरा। विगत एक पखवाड़े पूर्व कोरोना संक्रमण के चलते ब्यौरा विधायक गोवर्धन दांगी के असामयिक निधन पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह आदि स्वर्गीय दांगी के मुल्तानपुरा स्थित आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री गोवर्धन दांगी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर परिवार को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। स्वर्गीय गोवर्धन दांगी सरल सहज स्वभाव के व्यक्ति थे, जो सदा जनता की सेवा में लगे रहते थे। राजनीतिक भेदभाव से परे हम सब के साथ काम करते थे। इस दौरान स्वर्गीय दांगी के पुत्र को सांत्वना दी। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा में हाथरस में दलित समाज की एक नाबालिग पर हुई ज्यादती पर कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री अपराधियों के काल हैं, कोई अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने खुजनेर व सुठालिया तहसील के किसानों को फसल बीमा नहीं मिलने पर कहा कि जायजा किसानों को बीमा कंपनी से बात कर राशि दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तय समय पर ब्यावरा के सिविल अस्पताल में बने हेलीपैड पर पहुंचे। इसके बाद यहां से कार के द्वारा मुल्तानपुरा पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद हेलीकॉप्टर से राजस्थान के कोटा के लिए रवाना हुए। हमारे मित्र ब्यावरा के लोकप्रिय विधायक गोवर्धन दांगी जी असमय हमें छोड़कर चले गए। वो सहज थे, बहुत सरल थे, सज्जन थे, कर्मठ थे और जनता की सेवा में सदैव लगे रहते थे। राजनीतिक मतभेदों से परे थे, हम सब मित्रों की तरह साथ काम करते थे। बीमारी के बाद हमें छोड़कर चले गए। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन कर अर्पित करने आया हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को, मित्रों को, समर्थक अनुयायियों को, सबको ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। सर एक और खबर समय जगत के लिए ब्यावरा से कामेश नामदेव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।